थाने बस स्टैंड पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर हल्ला बोलकर धरना प्रदर्शन किया और किसानों के हक में प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि धान खरीदी को लेकर अभी प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। 25 रुपए किलो धान खरीदी पर बवाल मचा हुआ है। मामले में सीएम बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। वही बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिनियम में व्यवस्था दिया था कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरपंच हैं या जो प्रमुख पद से होंगे, वो जनता के सीधे मतों के द्वारा चुने जाएंगे और उसे ये इन लोगों ने अपने ही नेता को के विचारों को खत्म किया है। हम लोगों ने मुख्य तौर पर उसी का विरोध। इंदौर की बालगंगा थाना क्षेत्र में